भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी दारा सिंह चौहान ने विधान परिषद की एक सीट से हो रहे उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। गुरुवार को उनके नामांकन प्रक्रिया के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे थे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर दिनेश शर्मा के राज्यसभा सांसद बनने के बाद विधान परिषद की एक सीट खाली हुई थी। इस सीट पर से ही दारा सिंह चौहान ने नामांकन किया है। दारा सिंह चौहान 2022 में सपा से विधायक बने और फिर इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। 2023 में घोसी सीट पर हुए उपचुनाव में वह हार गए थे। इसके बाद अब बीजेपी ने उन्हें विधान परिषद भेज रही है। सूत्रों के मुताबिक बता दें कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जिसमें दारा सिंह चौहान मंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं ओम प्रकाश राजभर का भी मंत्री पद तय माना जा रहा है। बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के घोषित कैंप करने चुनाव प्रचार करने के बावजूद दारा सपा के सुधाकर सिंह से हार गए थे। इस हार के बाद कहा तो ये भी जाने लगा था कि बीजेपी में दारा सिंह चौहान का कद कमजोर पड़ेगा। उनका सियासी करियर अधर में फंस गया, लेकिन बीजेपी ने दारा सिंह को MLC उपचुनाव में उम्मीदवार बनाकर यह संदेश दे दिया है कि पार्टी उनको बैक करेगी। बता दें कि दारा सिंह ने जब सपा की साइकिल से उतरकर बीजेपी का दामन थाम लिया था, तभी से यह तय माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नज़र नोनिया चौहान ओट पर है। दारा को योगी मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन घोसी उपचुनाव में हार के बाद उनका यह इंतजार लंबा हो गया था। लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे ही में जल्द ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इंडिया 24/7 लाइव टीवी से डेस्क रिपोर्ट।